महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बदलते घटनाक्रम में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। राहुल गांधी ने संजय राउत को फोन करके उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली है और इस बात की जानकारी खुद संजय राउत ने ट्वीट कर दी है। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के बावजूद मुझे रात में फोन किया और मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राहुल ने कहा, हमें आपकी चिंता थी। एक अन्य ट्वीट में संजय राउत ने एक लंबा पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, कुछ मुद्दों पर मजबूत मतभेद के बावजूद अपने राजनीतिक सहयोगी से बात करना मानवता की निशानी है। राजनीतिक कटुता के दौर में ऐसे इशारे दुर्लभ होते जा रहे हैं। राहुल जी अपनी यात्रा में प्रेम और करुणा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिल रही है। बता दें कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए वीर सावरकर की आलोचना की थी। उन्होंने उन पर अंग्रेजों से अपील करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा देने का भी आरोप लगाया था। लेकिन राहुल के इस कमेंट पर उद्धव की शिवसेना ने ही उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद लग रहा था कि दोनों के बीच दरार आ गई है। हालांकि अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।